सा सहरा, ना है बादल ना है बारिश, पत्थर बन के रह जाते हैं, बारिश बारिश भी हो जाते हैं। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता बेटी, आंखें खोलो ना मेरी जान। आंखें खोले अम्मी जान। उन्हें जल्दी ढूंढना है, पकड़कर मार डालो ने। मुझे वहां आने पर मजबूर मत करो। तुम्हारे अंदर की आग दुश्मनों के सीनों को जला के रख देगी। भाई हमने अम्मी को भी ढूंढना है। अम्मी को ढूंढ लेंगे। ओके यारी अम्मी जान, अम्मी जान। अम्मी भीगी आँखें प्यासा सहरा, ना है बादल ना है पत्थर बन के रह जाते हैं, बारिश बारिश भी हो जाते हैं।
छोड़ दो उन पुरानी बातों को, कल बहुत काम है। ये आपकी चाय। आ गई जानान बेटी, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। मैं सोच रही थी पता नहीं तुमने कुछ खाया कि नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ ना इसलिए। जाना चाहती हूँ मैं। जानान, हल्दून देख लिया है ना आपने, मेरी कोई बात नहीं सुनती, वो नौकरों वाला बर्ताव करती है मेरे साथ। बताइए तो मैंने इसके साथ ऐसा क्या किया, क्या मैं इसकी माँ नहीं? अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं ये सब, आप खुद ही बताइए क्या मैंने कुछ गलत कहा है, जवाब दीजिए। ठीक है अब बस करो। जान बख्श दी तुम्हारी सिर्फ जोहरा की खातिर, माल में से तुम्हारा हिस्सा बख्शिश के पैसे। देखो क्या वक्त हो गया है, आधा दिन गुजर चुका है, क्या जागने का प्रोग्राम नहीं है? गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए काम है, शहर जाना है। शहर जाना है? हाँ, इस एड्रेस पे जाना है, जनरल की एक अमानत है उसे लेके जाना है। अब इन चीजों का तुम्हें पता होना चाहिए। ये भी रख लो, ले लो ना, खर्चा है, अपनी जेब से नहीं दे रहा, खाना वगैरह खा लेना। लो, जब पहली सैलरी मिलेगी तो खाना खिलाना होगा। मुझे सैलरी भी देंगे ये लोग? क्यों नहीं, बिल्कुल देंगे। वो क्या तुमसे फ्री में काम करवाएंगे, तुम भी अब हम में से हो यहाँ पर। ये क्या, अजदार अंकल, फरद, आप यहां क्या कर रहे हैं? फरद, ये तुम हो क्या? हाँ मैं ही हूं, मगर आप यहां पर कैसे? जोहरा कैसी है? जोहरा ठीक है, किसी से मिलने आया हूं मैं। फरद, वो आ रहा है यहाँ पर, तुम्हें मेरे साथ देखना ले, जाओ दूर चले जाओ जल्दी। गाड़ी रोको जरा। तुम यहां क्या कर रहे हो? कुछ अधूरे हिसाब किताब चुकता करने हैं। मैं समझा नहीं। जोहरा, भतीजी मेरी, उसके बारे में अब क्या बात करनी है? वो हिसाब तो कब का खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? अभी मारने के पैसे बाकी हैं कमांडर। जोहरा को तुमने मारा था, भूल गए क्या? बकवास बंद करो, चलो यहां से कहीं और चले। अब कहां से ये कत्ल की बात लेकर आ गए हो, और पैसे किस लिए? जोहरा से प्यार नहीं था तुम्हें?
बाद में जब पता चला कि वो तुम्हारी नहीं हो सकती तो उसको मार दिया तुमने और उठा के उसकी लाश को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, ये भी भूल गए कमांडर? इन सब बातों का क्या सबूत है? भूल गए हो कि मैं भी एक बहुत बड़ा स्मगलर हूँ कमांडर, मेरे बहुत बंदे मर गए हैं। कोई भी ऐसी लाश नहीं जिसको देख कर ये जज कर सकूं कि इसको गोली लगी है या इसको पहाड़ से फेंका गया है, और ये गोली किस बंदूक से निकली है ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ज़ोरा को कितनी गोलियां मारी गई याद नहीं अब तुम्हें? मैं बताता हूं कमांडर, ये रहा सबूत। कौन सी गोली किस बंदूक से निकलती है मैं जानता हूं। इन सबको एक एक करके ज़ोरा की कमर से निकाला है। तुमने तो अपने गुनाह को छुपाने की बहुत कोशिश की मगर मेरी नजर से नहीं बच सके। ठीक है मैं समझ गया, सब देख लेंगे, तुम्हारी शरायत सुन लेते हैं, बैठकर बात करके सब कुछ तय कर लेते हैं। ओके चले। जाओ तुम लोग हाथ मुंह धो लो और बच्ची के कपड़े भी चेंज कर लो। जाओ तुम भी भाई की मदद करो। मैं इधर ही ठीक हूँ, मेरा भाई खुद कर लेगा। तुम जाओगी तो उसका मुंह भी साफ कर लोगी और कपड़े भी। जाओ शाबाश। मुझे पता नहीं चलता, मेरे भाई खुद ही साफ कर लेंगे। चलो उतरो जल्दी करो। मैंने नहीं उतरना। भाई भाई वो हमारी चीजें लेकर जा रहा है। रुको रुको। अरे रुको भाई रुको। जानवर एक दूसरे को सूंघ कर पहचानते हैं और इंसान एक दूसरे से बात करके, इसलिए हम भी बात करके मसला हल कर लेते हैं। क्या तुम ज़ोरा को वापस ला सकते हो? मुर्दे को जिंदा कर सकते हो? क्यों एक ही बात को बार बार किए जा रहे हो? वो बात खत्म हो गई है। और मैं तुमसे कत्ल की बात कर रहा हूं कमांडर। हाँ उसका कत्ल हो गया, हम उसकी लाश ढूंढकर दफना देंगे, बाकी अल्लाह। ज़ोरा मेरी भतीजी थी, मेरे भाई की बेटी थी, उसकी लाश की कीमत कैसे चुकाओगे? मैंने तो उसे बहुत समझाया अजदार, पर वो नहीं मानी तो मैंने उसे मार डाला, इसलिए अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। क्या तुमने कभी किसी को मर जाने के बाद भी चाहा है? अगर नहीं चाहा तो ऐसे सवाल मत करो मुझसे। मेरे प्यार को ठुकरा कर न जाने किसकी अंगूठी पहन ली थी उसने, पता नहीं किसके प्यार में पागल थी वो, उसी को ही अपना सब कुछ कही जा रही थी। उसने तो मरना ही था ना। ये कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो तुम? कुछ गलत नहीं करना कमांडर। गलत क्या होना है, हम अपनी ही जगह पर जा रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं। भाई मैं थक गई हूँ।
थोड़ी देर आराम कर लें। क्या आपको रास्ता नहीं मिल रहा? मुझे डर भी लग रहा है। बस थोड़ा सा ब्याज, ये रास्ता कहीं ना कहीं तो निकलेगा। भाई वो देखो गाड़ी आ रही है, हम उनके साथ जाते हैं। ब्याज रुको, वो सोल्जर्स हैं। वो हमारी मदद करेंगे। नहीं ब्याज, अब्बू को मारने वाले भी सोल्जर थे, हम गए तो हमें पकड़ कर उनके हवाले कर देंगे। चलो इधर। ये बच्चे यहाँ कैसे आ गए? गाड़ी रखो। ब्याज उन्होंने हमें देख लिया है, भागो। वो वहाँ पर थे। ये क्या, वो बच्चे कहाँ चले गए? ये कहीं होंगे, आओ देखते हैं। तुम लोग गाड़ी में रहना। रोको गाड़ी को, मैंने कहा रोको, रोको गाड़ी को, रोको गाड़ी को, रोको, रोको जफर, रोको। उतरो नीचे, उतरो नीचे, उतरो जफर, जल्दी उतरो। दूर हटो गाड़ी से, तुम भी इधर आओ साथ में। फेंको बंदूकें, फेंको, फेंक दो। ये क्या कर रहे हो? बात करते हैं ना, हमने डील करनी थी ना। तुम मुझे बच्चा समझते हो कमांडर? बेवकूफ हो तुम। तुम मुझे मारने आए थे ना कमांडर, जैसे मेरी भतीजे को मारा था। डीलिंग वाली कोई नीयत नहीं है तुम्हारी। क्या तुम पागल हो गए हो? बात को समझते क्यों नहीं? अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें मार डालूं मैं। जब भी चाहूं मार सकता हूं तुम्हें। तुम्हें मार दूंगा कमांडर, कसम से मार दूंगा। अभी खुद ही तुमने मुझे कमांडर कहा, यानी तुम ये भी जानते हो कि मैं कौन हूं। कमांडर हूं मैं, आ गई ना समझ? और तुम कौन हो? एक मामूली सा इंसान जिसकी दो टके की वैल्यू नहीं है मेरे सामने, समझ गए? कसम से मार दूंगा तुम्हें कमांडर, कसम से। यानी तुम मुझे मारोगे, जबकि तुम ये नहीं जानते कि उसके बाद क्या होगा। इस मुल्क में कितने जवान हैं तुम जानते हो? पूरे 5 लाख। क्या तुम उन सब से लड़ सकते हो? किसी सूरत जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मारो मुझे। मारते क्यों नहीं? हाँ मारो। डर गए? लिया? मार डाला ना मैंने तुम्हें, बिल्कुल ऐसे ही मारा था जोरा को मैंने, बिल्कुल ऐसे ही मारा था। वहां कोई भाग रहा है कमांडर, उसे पकड़ो जफर। चलो ब्याज भागो। ब्याज भाई मेरा शूज। भागो भागो। जल्दी भागो सोल्जर्स, जल्दी। गन नहीं, गन नहीं, वो भी बच्चे हैं। अल्लाह अल्लाह, गायब हो गए हैं। कैप्टन वो बच्चे ही थे ना? मैंने खुद देखा वो बच्चे थे। यहाँ पर तो जानवर भी होते हैं कैप्टन। क्या मतलब, मुझे बच्चों और जानवरों में फर्क नहीं पता। चलो चलते हैं, चलो।
सुना था, उन्होंने कहा था यहाँ पर जानवर भी होते हैं। हाँ सुना। वो गायब हो गया। अगर कोई वहाँ था तो वो गायब कैसे हो गया? मैंने उसे देखा था। क्या देखा? इंसान था या जानवर? इंसान होता तो यहाँ से छलांग न लगाता। कुछ तो था। वो देखिए, ये गधा है। ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार लगता है, बिल्कुल तुम जैसा है। अब चलो यहां से। क्या हुआ, तुम्हारी अम्मी नहीं मिली क्या? अब कहाँ ढूंढने जाओगी? तुम्हारी अम्मी घर पे रहती नहीं थी और ना ही कोई काम करती थी, अच्छी तरह जानता हूँ मैं। मेरी अम्मी को कुछ मत कहना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँ। अरे ये क्या कर रही हो, पागल हो गई क्या? छोड़ो मुझे। तुमने मेरी अम्मी को आवारा कहा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैंने कहा छोड़ो मुझे, मत मारो, हटो। जुबान संभाल के अम्मी से देखे जरा। तुमने इस पर हाथ उठाया बदतमीज। ये बदतमीज है, मेरी अम्मी को बुरा कहा इसने। हाँ वाकई, क्या कह दिया इसने? उन्हें आवारा कहा। हाँ तो कौन सा झूठ कहा? सच कड़वा लग रहा है क्या तुम्हें? मैं तुम दोनों से नफरत करती हूँ, तुम दोनों बहुत बुरे हो। चुप करो, अपने आप में रहो। तुम किस पर चीख रही हो? हाँ किसको मार रही हो तुम? हुल्दून का बेटा है वो, हुल्दून का। मैं भी बेटी हूँ उनकी। हो ना, पर तुम उस आवारा औरत की बेटी हो, क्योंकि हुल्दून की बेटी तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं हो सकती। सुना तुमने? और अगर इतनी नफरत करती हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। वो रहा दरवाजा, और इस घर का सिर्फ एक ही बच्चा है, आई समझ? और वो है तारिक। सुना तुमने? मेरी जान, मेरा बच्चा, जानते हो तुम पापा के इकलौते बेटे हो। अच्छा ठीक है, इन्हें इकट्ठा करो, मैं बाद में देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, आखिरकार पता चल ही गया। किसका? वो औरत, आपके दोस्त की बीवी, मिस शीरी। हाँ, क्या हुआ उसे? बदकिस्मती से नहीं बचा सके उसे सर। आंखों में मट्टी डालो और भाग जाओ यहां से। ये क्या कर दिया मैंने? मैंने अपने हाथों से उसकी जान ले ली। ये क्या कर दिया मैंने? हेलो अल्दून, मैं खलीज, आज रात मिलना होगा। ठीक है, मिलते हैं। वाओ, जाओ यहां से, चले जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो जरा, तुमने अपने जोश में सारी बोरियां फाड़ डाली।
सब कुछ बिखेर दिया तुमने। बॉक्सर हो क्या? हमारा ये जवान तो बॉक्सर निकला बिलाल। हाँ। लगता है काफी तैयारी की है तुमने, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया है तुम्हें देखकर। अच्छा है, इसका मतलब ये सब कुछ नहीं भूला। बॉक्सिंग याद है इसे? इसका मतलब याददाश्त चली भी जाए तो फिर भी ताकत बाकी रहती है। मुझे इस क्वालिटी का पता था। देखो, सही गैस किया आपने कमांडर। एक वक्त था जब मैं भी ये सब बड़ी खुशी से करता था और बहुत अच्छा लगता था मुझे। क्या दो दो हाथ करना चाहोगे मेरे साथ? अभी क्या? हाँ बिल्कुल अभी बिलाल, क्यों नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो, आगे बढ़ो, कम ऑन। ऐसे बुत बनकर क्यों खड़े हो, क्या हो गया है तुम्हें? अब चलो भी। पंच मारोगे तो तुम्हारी ताकत का अंदाजा होगा मुझे। क्या बात है, मार दिया। चलो एक दफा फिर। क्यों, कैसा लगा? हाँ चलो उठ जाओ। क्या अभी भी हिम्मत है, लड़ना चाहोगे? संभल जाओ, कभी कभार मुझसे क्लास ले लिया करना, यह तुम्हारा ही फायदा है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपनी ताकत को आखिर तक छुपा के रखना। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला सबक है। शाबाश, अब खड़े हो जाओ। हरा दिया है मैंने तुम्हें, तुम्हारे हाथों में काफी ताकत है और यह जानकर अच्छा लगा मुझे। मगर फिलहाल तुम्हें मेहनत की जरूरत है। आ जाओ जफर। ठीक हो तुम? हाँ ठीक हूं मैं, ठीक हूं। मतलब लेबनान का ड्रामा तुम्हारे साथ, वाओ। ऑफिसर ऑर्थर एक बड़ा प्रोफेशनल किस्म का इंसान है, उसे कई टिप्स आते हैं। ऊपर से लेवल को सोचने लगा। जी बिल्कुल, पहले से एक ड्यूटी होने के बावजूद मुझे इस ड्यूटी का मिलना मेरे लिए किसी बड़े एजाज से कम नहीं है। पर मैंने भी कह दिया कि मेरी तरक्की काबिलियत पर हुई है तो चुप हो गया। तुमने भी मौका नहीं जाने दिया हाथ से, मेजर बने बगैर तरक्की। हाँ डबल तरक्की। तुम होती तो क्या ये मौका हाथ से जाने देते मुफ्त? जीतम की तरफ एक कदम और बढ़ गए हो कैप्टन, अब शायद तुम्हें लेफ्टिनेंट कर्नल कहना चाहिए था मुझे, है ना? वो सितारे तो समझो तुम्हारे हो ही गए। अब करते हैं असल टॉपिक पर बात, अमेरिकनों के हलीफ मुल्कों के डॉक्यूमेंट्स पर। उनका है कोई आइडिया तुम्हारे पास? डॉक्यूमेंट्स कहाँ छुपा कर रखे हैं उसने, क्या इस बात का कोई हिंट मिला तुम्हें? जी बिल्कुल, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ है मैं जानता हूँ। कहाँ पर? वो उसके अपने ही ऑफिस में रखे हैं। क्या ऑफिस में भी कोई डॉक्यूमेंट छुपा सकता है? देखिए,
मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो डॉक्यूमेंट्स उसने वहीं छुपाए होंगे। पक्की बात है? जी हाँ, 100%। कोई प्लान है फिर तुम्हारा? जी हाँ, प्लान तो है, पर खतरनाक और थोड़ा सा खर्च भी आएगा उस पर। खर्चा मतलब कैसा खर्चा होगा वो? कोई नाम तो हो? जी, हम इस खर्चे को एक नाम दे सकते हैं। जिन लोगों को इस काम से फायदा होगा, इसे उनकी कमीशन समझें। और इसके अलावा आप लोगों के पास कुछ जमीनें और कुछ प्लॉट्स भी हैं, जो कि आप लोग मुझे दे सकते हैं। अब ये क्या है? हाँ, क्या कहना चाहते हो तुम मुझको? ख्वाब देख रहे हो क्या? नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता आपको। हकीकत पसंदी का कायल हूं मैं, जो कहता हूं वही करना चाहता हूं। घुमाकर बात करना बंद करो और खुल के बात करो। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो इस सिलसिले में? जो कुछ भी आपके हाथ में है, मैंने वही सब कहा है। वो सभी जमीनें और प्लॉट्स जो आप किसी भी प्रॉपर्टी डीलर को क्रेडिट पे देना चाहते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। बस तुम वही करो जो मैंने तुमसे कहा, बाकी काम खुद ही आसान हो जाएंगे। समझ गए? इतनी जुरत? ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? किस तरह के फौजी हो तुम? सर, मैं आपसे माफी चाहता हूं, मगर अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो इस मीटिंग में कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी सरकारी ओहदे पर ना हो। जिस तरह आप लोग ईमानदारी से इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, वो सब भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुल्क के सभी खजाने और बड़ी बिल्डिंग्स सब आप ही के तो हैं। यहां पर सभी लोग एक जैसे ही हैं सर, और सारे टेंडर आप ही के हाथ से होकर तो निकलते हैं। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना सर? तुम हमारे साथ डीलिंग कर रहे हो? माजरत के साथ मैं कहना चाहूंगा कि मेरे जेन में ऐसा कुछ नहीं। जहां पर मैं मुल्क को नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाना चाहता हूं, वहां पर मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ और भी करना चाहता हूं। मैं कोई भी प्रोजेक्ट छोड़ना नहीं चाहता, मसलन यहां की बिल्डिंग्स, मिनरल्स। बताइए गलत क्या है इसमें? मेरे ख्याल में तो कुछ भी गलत नहीं है। समझ गया, आरक के लिए क्या ठीक है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और मैं जो चाहूंगा ऐसा ही करोगे तुम भी कमांडर, कुछ गलत नहीं। जी बिल्कुल सर, अपने मुल्क और कौम के लिए मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। फिर ठीक है, उस काम पर ध्यान दो, जो भी तुम्हारा बंदा है मुफ्त से मिला दो। पुरजम है और शातिर भी, उसे इसके अलावा कोई मात दे भी नहीं सकता। हाँ, देखते हैं, देखते हैं। अगर यहाँ पर आग होती तो हमारी बहन को सर्दी ना लगती भाई। नहीं ब्यास, आग नहीं जला सकते यहाँ पर, अगर जलाई तो हमें ढूंढ लेंगे फिर से। अगर हम आग जलाएंगे तो जानवर नहीं आएंगे। तुम डर रही हो? डर लग रहा है मुझे। क्यों, किससे? अगर भेड़िया और शेर आ गए तो हमें खा जाएंगे और हम अम्मी के पास चले जाएंगे। अगर हमने अम्मी अब्बू के पास ही जाना है तो मैं क्यों डरूं? और ये भी हो सकता है कि फरद भाई भी वहाँ हो। प्यारी बहन, मेरी प्यारी बहन हो ना तुम, बहुत प्यारी। शायद इसे बुखार है। भीगी आँखें, प्यासा सहरा, ना है बादल ना है बारिश, पत्थर बन के
के रह जाते हैं, पारस वारस भी हो जाते हैं, लापारस ये सभी नई बिल्डिंग्स और टॉवर्स के नक्शे हैं, तुम इन्हें अपने हिसाब से देख लेना। इनमें से जिस जमीन की वैल्यू ज्यादा है उसे खरीद लो। कैसे? क्या मतलब कैसे? हमारे पास जो सोना है उससे हल्दोन, उसे इसी तरह ही तो कैश करेंगे और बहुत जल्द ही हम इस सारे मुल्क के मालिक बन जाएंगे। मगर उन जमीनों के लिए सिर्फ पैसे काफी नहीं है, इजाजत लेना भी बहुत जरूरी है। तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो हल्दोन? मुझे सब मालूम है, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। और मैं इसकी इजाजत भी ले चुका हूं, और जो भी प्लॉट तुम चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो मेरा काम है, बस तुम वही करो जो मैंने तुमसे कहा, बाकी काम खुद ही आसान हो जाएंगे। समझ गए? ठीक है। हाँ ओके, मेरी बात मानते रहोगे तो किसी चीज की कमी नहीं होगी तुम्हें, और हाँ अगर ना मानी तो जान चली जाएगी।